कहीं कहीं जो क्रिटिसाइज है कर रहे सारे बाबर के ऊपर, आई थिंक ये एक लर्निंग प्रोसेस होगा। आई थिंक वर्ल्ड कप में वो जाएगा तो ये झटका उसको भी लगेगा ना, तो थोड़ा सा जरा जो हम बातें भी सुन रहे हैं, झगड़े हो गए, ये हो गए, आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट यू नो एक दूसरे को कुछ जो सुन रहे हैं हम भी क्या कोई शाइन का और तो आपस में जो इनके हुए हैं मुझे तो नहीं पता, मैं अच्छा। तो पढ़ ही रहा हूँ सोशल मीडिया पे जैसे नहीं, सारे आप खबर चाह रहे हैं ना, आवाम जानना चाहती है फहद मुस्तफा से। फहद मुस्तफा के पास इंटेल है क्योंकि इनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, सारे टीम को ये जानते हैं। फहद मुस्तफा बता रहे हैं कि झगड़ा हो चुका है शाहीन शाह और बाबर का बात। थैंक यू वेरी मच, आगे बताएं तफसीलात क्या है। ये जब चलेगा तो बहुत पुरानी बात हो चुकी होगी, बट खैर कहने का मकसद ये है कि आई थिंक एक अच्छी बात है, दे जस्ट नीड द कॉम्बिनेशन राइट, आई थिंक अ लिटिल कॉम्बिनेशन इज थोड़ा सा। चलो हम क्रिकेटिंग टर्म्स पे बात कर लेते हैं यार, टेक्निकल बात करते हैं। हाँ जी, आप भी क्रिकेट खेलते हो, आप जानते भी यार हमारे बॉलर जो है वो 10 ओवर के बॉलर हैं कि नहीं, बिकॉज उनके डिफेंस में मैं ये बात करता हूँ शाहीन के नसीम की, यार वो जिस एरा में पैदा हुआ ना आंख खोली 4 ओवर करते हैं ऐसे ही है। अब उन्होंने 50वीं क्रिकेट पता है पिछले साल पता कितने खेले हैं, 13-14 वनडे। एब्सोल्युटली। अब उनसे कहते हैं एशिया कप में वो करेंगे तकरीबन 70 ओवर। अब वो 70 ओवर की बॉडी है ही नहीं फादर, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब वो 10 ओवर नहीं कर पाते, जो ही करते हैं ठक करके एक इधर से गया एक इधर से गया। तो डू यू बिलीव के इनका कसूर नहीं है, और या डू यू बिलीव कि पाकिस्तान को इनको रेडी करना चाहिए था ताकि वर्ल्ड कप में आप कम से कम तो आपको 90 ओवर करने पड़े, 9 मैचेस है, 90 ओवर करने पड़ेंगे, चलो 9 बॉलें चलो डाल के 100 ओवर आपको कम से कम करने पड़ेंगे। मुझे सिर्फ एक चीज से होती है प्रॉब्लम, जैसे आईपीएल इंडियंस जो है ना वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, वो कोई और लीग नहीं खेलते। हमारे पास अब पीएसएल अच्छी खासी तगड़ी एक लीग है, आप वैलिड पॉइंट है। सो आई डोंट नो कि आप इतनी क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हैं। थोड़ा सा जरा एक होता है, मैंने देखा है उसको, अपना एंडरसन को मैंने देखा है, हमने उसको ब्रॉड को देखा है, प्रायोरिटी सेट की हुई है अपनी, हमारी प्रायोरिटी कहाँ है ये मुझे समझ नहीं आती। अब मैं सिर्फ बाबर को क्रेडिट देता हूँ कि एटलीस्ट वो आपको हर लीग में नजर नहीं आता, बहुत कम नजर आता है उसका फोकस जो एटलीस्ट अपनी टीम पे, बाकी तो वहां कोई इंजर्ड नहीं होता। जैसे ही सीरीज शुरू होती है हमारी तो फिर इंजरीज भी शुरू हो जाती है। मेरी जान उनके फाइनेंस सिक्योर है ना, किसके आपके थे के? आप लोगों के भी तो नहीं थे, आप लोग क्यों खेलते थे? हम बीमार थे इंजेक्शन, अभी मुझे एक मैंने सुना था एक प्लेयर को बुखार हो गया। भाई मैं तो शोएब अख्तर को जानता हूँ, शोएब अख्तर तो इंजेक्शन लगा लगा के भी खेलते थे, और इंजमाम लग की इनिंग्स सबको याद है, रोजों में भी खेले हैं प्लेयर्स, बुखार या बुखार तो मतलब एटलीस्ट यू नो थोड़े तगड़े नहीं आज के। मैं वही कह रहा हूँ ना कि टू मच थिंकिंग इज हैपनिंग, टू मच खौफ इज गोइंग ऑन, प्रॉब्ली डरे हुए बहुत ज्यादा। ये सिर्फ क्रिकेटर्स में नहीं है, ये एक्टर्स में भी बहुत ज्यादा है। दिस देयर इज अ थिंग कॉल्ड इमेज नाउ, जिसपे जो है भी नहीं बट उसका एक जो है ना वो एक हवा इतना बड़ा है कि आप इस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डजंट मैटर यार, मतलब क्या हो गया आपको, थोड़ा सा जरा जिस काम के लिए पैदा हुए वो तो करें आप। हाँ ये बात ठीक है आपकी, आप क्रिकेटर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि क्रिकेटर हैं, पूरे मैच खेलते हैं, हर वीकेंड में मैच खेलते हैं, और उनको बहुत शौक है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग करते हैं, बेटे को भी लगाया हुआ, खुद भी लगे हुए हैं क्रिकेट खेलते हैं। बट नाउ कमिंग बैक टू योर करियर जी, नाउ दिस ईयर यू अप अगेंस्ट एज अ बेस्ट एक्टर अगेंस्ट फवाद खान, हाउ डू यू सी दैट योर मूवी अच्छा इज अप अगेंस्ट मौला जाट। अच्छा आप कायदे आजम आपने की जी, नाम मालूम अफराद की एक्टर लॉ की, यू आर गाइज यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब जी जी। सो नाउ आप एकदम हवा बन रहा है जी, फहद मुस्तफा द लीडिंग रोल एक्टर वर्सेस फहद खान, ये क्या ये एक मीडिया में चल जाती चीजें? आई थिंक मीडिया को सिर्फ खबरें चाहिए होती हैं, ना फवाद सोच रहा होगा ना मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज अब वो जमाना रहा नहीं है कि अवार्ड्स की ना वो क्रेडिबिलिटी रही है ऐसे जितनी ज्यादा, तो अब आप इस बारे में इतना सोचते नहीं है। खुशी तब होती है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं फिल्मों को, उसकी फिल्मों को भी करते हैं, हमारी फिल्मों को भी करते हैं, फिल्में बनती कितनी है इसमें, बिलीव इन रिवॉर्ड। हाँ मतलब अवार्ड्स का मुझे ऐसा लगता है, मे बी मैं अब उस उम्र से निकल गया हूं, मुझे ऐसा लगता है अवार्ड्स वाली अच्छा लगता था एक पॉइंट पे, बहुत मिले भी बहुत ज्यादा खुशी भी होती थी, बट हाँ मुझे दुख इस बात का होता है कि अब जो हमारे बाद वाले एक्टर्स है ना उनको कोई अवार्ड का ना वो चक्कर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक लाउंज है, लाउंज का फर्नीचर शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स समथिंग, वेदर इट्स टीवी और यू नो कोई तो एक होता ना, यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, यू लुक अप टू समथिंग।
I think it's a lost cause now. So I've had a very fair share of my award ceremonies also, the excitement towards them, votings and all that. So, you know, been there, jeete, hare, sab hua. Abhi jeet haar ka koi chakkar nahi. Why do you give me a feel that you've been there, done that, now you're over and above now? No, no, it's not that. I just don't want to be a part of any race anymore. So I want to work, I want to enjoy my work myself. And I've always done that. I've always picked stuff that I liked. I was never worried about ki log kya sochenge ya aap kya sochoge. So they were my choices in the first place. Some were right, some were wrong. Main dictate nahi ho sakta hu ki mujhe log bataye ki hame ye acha lagta hai to aap ye kar le ya aapko ye acha lagta hai to. Because in the end, you see, जब तक आप खुद satisfied नहीं होंगे, आपको खुद मजा नहीं आ रहा होगा, दूसरे के लिए आप कभी enjoy नहीं कर सकते। जो मैं देखता हूँ कि आप थोड़ा सा lack करती है, वो content नहीं है लोग बहुत ज़्यादा, which is very important, you know, पैसा वैसा